गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 16, एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग लिव्स इन अ सोसाइटी। जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो एक सोसाइटी में रहता है। ही लिव्स विद हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के परिवार के साथ रहता है। सिमिलरली जेब्रास, एलिफेंट्स एंड डीर एट्सेट्रा लिव इन ग्रुप्स। तो ऐसे ही जो जेब्रा, एलिफेंट और अदर जो एनिमल्स हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं। इनफैक्ट ईच ग्रुप हैज़ अ लीडर, और इनके ग्रुप का एक लीडर भी होता है। द एनिमल्स मूव टुगेदर इन ग्रुप्स टू फाइंड फूड एंड वाटर। और जो एनिमल्स हैं, अपने ग्रुप के साथ चलते हैं, मूव करते हैं खाना और भोजन, भोजन और पानी ढूंढने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लिविंग इन अ ग्रुप प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एक ग्रुप में रहना एनिमल्स को सुरक्षा करता है उनके जो एनिमीज होते हैं उनसे। दे फील सेफ, और अपने आप को वो सेफ फील करते हैं। द एनिमल्स ऑफ द सेम ग्रुप शेयर अ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। और जो एनिमल्स का जो सेम ग्रुप है, ठीक है, वो शेयर करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनमें, सामाजिक अनुबंध होता है। आंट्स, टेरीमेट्स एंड हनी बीज लीव टुगेदर इन कॉलोनीज। और जो आंट्स हैं, टेरीमेट्स हैं, हनी बीज हैं, ठीक है, ये सब अपनी कॉलोनीज में रहती हैं एक साथ, उनकी कॉलोनी होती है। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस इन अ ग्रुप। और एक जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उसमें 10 to 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं, और उनके जो यंग वंस, उनके जो बच्चे होते हैं, वो एक साथ ग्रुप में चलते हैं। द ओल्डेस्ट एंड ऑफन द लार्जेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स ऑफ द ग्रुप। और उसमें जो लार्जेस्ट फीमेल, जो सबसे बड़ी फीमेल होती है, वो उस ग्रुप की लीडर होती है। शी लीड्स द वे एंड वॉन्स द अदर अबाउट द डेंजर। वो अपने ग्रुप को लीड करती है, और कोई खतरा आता है तो उन्हें बताती भी है, वॉर्न करती है। Young males leave the herd when they are 12 to 15 years old to leave alone. और जो young males होते हैं हाथियों के, elephants के जो group में, जब वो 12 to 15 years old हो जाते हैं, तो अपने herd जो उनके group को बोला जाता है, उस झुंड को, group को छोड़ देते हैं और अकेले जीवन जीने चले जाते हैं। कब? 12 to 15 years old हो जाते हैं जब। A single male leads a group of gorilla. ठीक है, एक single male गोरिल्ला के ग्रुप्स जो होते हैं उनमें एक सिंगल मेल लीडर होता है। वोल्व्स बिलोंग टू द डॉग फैमिली। वोल्व्स जो होते हैं बिलोंग करते हैं डॉग फैमिली को। दे लीव एंड हंट इन ग्रुप्स नोन एज पैक्स। ठीक है, वो शिकार करते हैं, खाना ढूंढते हैं, और इनका जो ग्रुप होता है उनको बोला जाता है पैक्स। प्राइड रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। शेरों का, लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोला जाता है। दे लिव इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 to 10 or 12। उनके ग्रुप में 4 to 5 से लेकर 10 or 12 शेर या लॉयंस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 73 पर। इन फैक्ट द फिश स्विम टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड अ शोल। तो देखो, फिश जो मछली पानी में तैरती है, वो भी अपने ग्रुप के साथ, उसको बोला जाता है शोल। दे वॉर्न ईच अदर ऑफ एनी डेंजर। और वो एक दूसरे को कोई भी खतरा आने पर वॉर्न करती हैं, बताती हैं। आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स। चींटियां जो होती हैं, आंट्स होती हैं, वो सोशल इंसेक्ट हैं। दे लिव टुगेदर इन द कॉलोनीज। वो अपने ग्रुप जो होता है उनमें कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स ऑफ 5 to several hundred। और जो डॉल्फिन्स होती हैं वो अपने ग्रुप में 5 से लेकर several hundred तक हो सकती हैं। बियर्स, शार्क्स, लियोपार्ड्स एंड राइनोस प्रेफर टू लीव ऑल अलोन। और जो ये बियर्स हैं, शार्क जो फिश है, मछली है, लियोपार्ड्स और राइनोस जो होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी इनका कोई ग्रुप नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एनिमल शाय अवे और अवॉइड ह्यूमन कंपनी। कई जानवर ऐसे होते हैं जो मानवों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इंसानों के साथ। इफ़ वी गो नियर अ स्क्वायरल और लिजार्ड इट विल रन अवे। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम गिलहरी के पास जाते हैं या लिजार्ड के पास जाते हैं, तो वो जल्दी से भाग जाती हैं। इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट फैमिलियर विद अस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे साथ फैमिलियर नहीं हो पाती। एनिमल एंड एनिमल प्ले।
देयर आर मैनी एनिमल्स दैट लव टू प्ले विद अदर एनिमल्स ऑफ देयर ग्रुप्स। तो देखो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जानवर होते हैं जो अदर ग्रुप्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोयंस, कब्स, किटन्स एंड पपीज, बेबीज ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो प्ले विद वन अनोदर। तो देखो लोयंस और कब्स, किटन के बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं, शेरों के जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, पपीज होते हैं, वो अदर ग्रुप्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स ईयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। एन एलिफेंट हैज़ बिग ईयर विच हेल्प एन एलिफेंट टू फैन इट्सेल्फ। तो देखो एनिमल्स के जो ईयर होते हैं सभी के अलग अलग डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं। एलिफेंट के तो बहुत ही बड़े होते हैं, बिग होते हैं, ताकि वो किस तरह यूज़ कर सके अपने आप को फैन यानी हवा करने के लिए। जिराफ्स, रैबिट्स एंड डंकीज आल्सो हैव बिग ईयर्स। और जिराफ के, रैबिट्स के और डंकीज के भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। बर्ड्स, लिजार्ड एंड फ्रॉक्स हैव इंटरनल ईयर्स। और जो बर्ड्स होते हैं, लिजार्ड होते हैं और फ्रॉक्स के अंदर की साइड ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव ईयर्स दैट आर नॉट विजिबल। बर्ड्स के ईयर तो होते हैं पर वो विजिबल नहीं होते। दे हैव टू होल्स इन देयर हेड्स इन प्लेस ऑफ ईयर्स विद विच दे कैन हीयर साउंड दैट ह्यूमन्स कैन नॉट हीयर। तो देखो जो बर्ड्स होते हैं उनकी हेड की साइड पर टू होल्स होते हैं जिनसे जो बर्ड्स हैं वो साउंड को सुन सकते हैं। आगे आ जाइए पेज नंबर 74 पर, नो मोर में देखिए। वोल्व्स लीव टुगेदर इन अ पैक। जो वोल्व्स होते हैं वो अपने ग्रुप के साथ, जिसको पैक बोला जाता है, एक साथ रहते हैं। दे हैव अ स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम। और उनका एक स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम होता है। ए डोमिनेंट फीमेल एंड अ मेल पेयर इज कॉल्ड द अल्फा पेयर। उनके जो लीडर होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है, उस पेयर को अल्फा पेयर बोला जाता है। दे लीड द पैक। और जो कि वोल्व्स का जो ग्रुप होता है पैक, उसको लीड करते हैं। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 16 चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।